नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट ब्रोटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे नीतीश कुमार। बीपीएससी 70वीं को लेकर तेजस्वी ने सीएम को लिखा लेटर। तेजस्वी के सवाल पर सांसद संजय झा का पलटवार। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में लगभग 47.50% वोटिंग। महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी होगी प्रचंड जीत, बोले सम्राट। शिक्षा मंत्री पर प्रशांत किशोर के आरोप से मची खलबली। दिलीप जायसवाल ने पुस्तिका का किया लोकार्पण। पटना में जिलास्तरीय बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। जेठुली कांड का मुख्य आरोपी उमेश राय गिरफ्तार। पटना में किराना दुकानदार को अपराधियों ने मारी गोली। अब खबरें विस्तार से। देवेंद्र फडणवीस आज तीसरी बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार सरकार में शामिल हुए। शपथ ग्रहण में राजनीति से लेकर बिजनेस और बॉलीवुड क्रिकेट की बड़ी हस्तियां शामिल हुई। शपथ ग्रहण समारोह में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे। मंच पर योगी और नीतीश कुमार एक साथ बैठे नजर आए। भव्य समारोह में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर देवेंद्र फडणवीस को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं आपके नेतृत्व में महाराष्ट्र के विकास कार्य को गति मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। परीक्षा फॉर्म भरने की डेट बढ़ाने जाने से नॉर्मलाइजेशन पर अपनी नीति स्पष्ट करने और एक शिफ्ट में एक ही दिन परीक्षा लेने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने पत्र में लिखा है, आयोग के सर्वर में खामियां के चलते लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, जो कि उनके भविष्य और परिश्रम के लिए एक घातक है। फॉर्म भरने में असमर्थ रहे अभ्यर्थियों को ही उल्टे अगंभीर ठहराकर अफसरशाही में अहंकार और तानाशाही को प्रदर्शित करता है। अभ्यर्थियों और अभिभावकों को अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि आयोग नॉर्मलाइजेशन लागू करेगा या नहीं। फॉर्म भरवा लेने के बाद भी एग्जाम को लेकर अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी नहीं दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा में 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सीएम नीतीश पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश की यात्रा पर होने वाले खर्चों को लेकर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव के सवाल पूछने के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। जदयू ने लगातार तेजस्वी यादव पर पलटवार कर रहा है। इसी कड़ी में जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने पलटवार किया है। संजय झा ने कहा कि सीएम नीतीश देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो हर साल यात्रा पर निकलते हैं। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए संजय झा ने कहा कि तेजस्वी यादव से और क्या उम्मीद किया जा सकता है, यात्रा में क्या लूट हो सकता है बताइए। तो मुख्यमंत्री यात्रा पर नहीं निकले। उन्होंने कहा कि सीएम कोई आज से थोड़ी यात्रा पर जा रहे हैं। बिहार विधानसभा परिषद की स्नातक सीट तिरहुत के लिए वोटिंग खत्म हो गई। शाम 4 बजे तक 47% वोटिंग हुई। 4 जिले मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर के कुल 197 मतदान केंद्रों पर इसके लिए वोटिंग हुई। एक सीट के लिए 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। एनडीए के खाते से जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने राजद के गोपी किशन चुनावी मैदान में हैं। जनसुराज ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। पूर्व एमएलसी राजकुमार सिंह के बेटे डॉक्टर विनायक गौतम प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा उपचुनाव में एलजेपीआर के नेता रहे राकेश रोशन भी मैदान में हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में जाने से पहले बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार को लेकर बड़ा दावा किया है। सम्राट चौधरी ने महाराष्ट्र जाने से पहले बड़ा बयान देते हुए महाराष्ट्र की तरह ही 2025 में बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत होगी और विपक्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। बिहार में सभी सीट पर जीत होगी, इसकी तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी सीटों पर जीतेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव में 10 महीने बाकी है। बीजेपी अभी से चुनाव जीतने के लिए संगठन को धार देना शुरू कर दी है। जिले में बड़ी बैठक शुरू कर रही है। बीजेपी जिलावार कोर कमेटी की बैठक करेगी। इसमें सांसद, विधायक, विधान पार्षद सहित पूरे जिले की कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बुधवार को युवाओं के पेपर लीक के मुद्दे
की बात कही है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब अनपढ़ लोगों को ही नेता बनाएंगे तब शिक्षा मंत्री ही पेपर लीक करने वाला माफिया हो। पेपर लीक कैसे रोका जा सकता है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कई नेताओं के खुद के कोचिंग संस्थान हैं, तो फिर इस तरह की व्यवस्था में पेपर लीक कैसे नहीं होंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले कई सालों में जो भी पेपर लीक हुए हैं उनमें किसी न किसी स्तर पर धांधली की खबरें हैं, इसलिए पेपर लीक होना कोई खबर नहीं है। खबर तब बनेगी जब सरकार एक भी पेपर पूरी पारदर्शिता के साथ करा पाए। सरकार पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आज तक जो भी पेपर लीक हुए हैं उनमें कुछ ही लोगों को सजा हुई है और जो लोग दोषी पाए गए हैं उनके सत्ता में बैठे नेताओं के साथ नजदीकी के प्रमाण है। बिहार के राजस्व विभाग में जमीन सर्वे में प्रयोग की जाने वाली कैथी लिपि की समस्या को लेकर बड़ी मुश्किल आसान हो गई है। अब जमीन सर्वे के लिए लोगों को कैथी लिपि समझने में मुश्किलों का सामना नहीं करना होगा। राजस्व विभाग ने BHU की एक छात्र की मदद से कैथी लिपि को रूपांतरित करने वाली पुस्तक का अनावरण किया है। विभाग के मंत्री ने बताया है कि इससे बड़ी समस्या हल हो जाएगी। दरअसल राज्य में विगत सर्वे खतियान एवं अनेक पुराने दस्तावेजों में कैथी लिपि में लिखे रहने के कारण विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में आम रैयतों के साथ साथ सर्वे कर्मियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन समस्याओं को देखते हुए राजस्व विभाग द्वारा कैथी लिपि से संबंधित एक पुस्तिका प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। यह पुस्तिका विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले BJP संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में जिलावार समीक्षा सह कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, सहरसा, सुपौल, जहानाबाद के कार्यकर्ता शामिल हैं। इस दौरान चुनाव को लेकर टारगेट सेट किया जाएगा। 2025 में 225 सीट जीतने का लक्ष्य कैसे हासिल किया जाएगा, इस रणनीति बनेगी। मीटिंग में डिप्टी CM सम्राट चौधरी, पार्टी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद मौजूद रहे। जिला स्तरीय बैठक में बूथ स्तर कमेटी और बूथ सदस्य का चुनाव होगा। हर बूथ पे पार्टी 12 सक्रिय सदस्यों का चुनाव करेगी। इन मेंबर्स पर वोटरों को पोलिंग सेंटर तक लाने की जिम्मेदारी होगी। बूथ अध्यक्ष के बाद मंडल अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। पार्टी चुनाव से पहले हर स्तर पर संगठन को मजबूत करना चाहती है। पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बिहार नेपाल बॉर्डर एरिया से घटना के 1.5 साल बाद जेठुली कांड के मुख्य आरोपी उमेश राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 8 मार्च 2023 को पार्किंग विवाद को लेकर जेठुली गांव में जमकर गोलीबारी हुई थी। इस दौरान 5 लोगों को गोली लगी थी, 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में आरोप था कि उमेश राय गुट के लोगों ने 50 राउंड से अधिक गोलियां चलाई थी। घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर, मैरिज हॉल और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। DSP निखिल कुमार ने बताया कि आरोपी अक्सर नेपाल भाग जाता था, बहुत दिनों तक वहां छिपा रहा। ह्यूमन इंटेलिजेंस और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पर नेपाल बॉर्डर एरिया से गिरफ्तारी हुई है। 20 फरवरी 2023 से फरार थे। 26 लोगों के खिलाफ कांड सही पाया गया है, इसमें से 15 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, एक आरोपी की मौत हो गई है। पटना जिले के फतुहा में बाइक सवार 2 अपराधियों ने किराना दुकानदार को गोली मार दी। आनन फानन में परिजन अस्पताल ले पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर एक खोखा बरामद हुआ है। मृतक राजकिशोर सिंह अब्दुल्लापुर गांव के रहने वाले हैं। गांव में किराना का दुकान चलाते थे। 3 बेटे और 1 बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है। ग्रामीणों के मुताबिक कुछ दिन पहले अपने प्रॉपर्टी बेटी के नाम कर दिया था, इस वजह से बेटों के बीच विवाद होता था। गांव में किसी से कोई झगड़ा नहीं था। घटना की जानकारी मिलते ही SDPO 1 निखिल कुमार और थाना अध्यक्ष रूपक कुमार अम्बुज मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है।